गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा स्वागत है आपका। आज हम पाठ 15 आर्य समाज के नियम करेंगे। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर सिर्फ प्रश्न और उत्तर को ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यदि आपको चैप्टर को देखना है तो आप आर्य समाज के नियम भाग एक के अंदर जाकर पूरे चैप्टर को देख सकते हैं। आर्य समाज के अंतिम चार नियमों को क्रमानुसार लिखिए। सातवां, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु अपने सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। ये बेटा आर्य समाज के नियम है। आप पढ़ते आ रहे हो, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, तो लास्ट के चार नियम सीरियल ऑर्डर के अंदर हमने लगा दिए इनको। प्रश्न दो, सातवें नियम के अनुसार अन्य लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा है बेटा? यहाँ पर फिर थोड़ी सी कंप्यूटराइज मिस्टेक आ चुकी है। कैसे के ऊपर दो मात्राएं लगा लेना, ये ठीक हो जाएगा। संक्षेप में वर्णन करें, हमारा व्यवहार समाज के अन्य सभी लोगों के साथ प्रीतिपूर्वक होना चाहिए। हमें सबके साथ प्यार से बोलना चाहिए। किसी के साथ कड़वा या कठोर व्यवहार करना नहीं चाहिए। इसलिए हमारा व्यवहार प्रीतिपूर्वक होने के साथ साथ धर्म के अनुसार भी होना चाहिए। धर्मानुसार व्यवहार करके ही हम शत्रु या नीच को रास्ते पर ला सकते हैं। हमें उससे बदला तो नहीं लेना चाहिए, परंतु कुछ इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कि हमें हानि न हो और उसके आचरण में भी सुधार आ सके। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो धर्म के अनुकूल हो। इसलिए हमारा व्यवहार यथा योग्य भी होना चाहिए। ये बेटा बड़ी बात कही है कि कई बार ये बात भी कह देते हैं कि दुष्ट को कभी भी प्यार से नहीं जीता जा सकता, दुष्ट को दुष्टता से ही जीता जा सकता है। इसलिए इस नियम में कहा कि सबसे प्रीतिपूर्वक सबसे पहले तो प्यार से बात करो, फिर धर्मानुसार, फिर धर्म से बात करो, फिर इन दोनों चीजों से नहीं मानता फिर यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। विद्या और अविद्या से आप क्या समझते हैं? आर्य समाज ने अविद्या के नाश के लिए क्या क्या कार्य किए? विद्या का अर्थ किसी भी वस्तु का यथार्थ अर्थात ठीक ठाक ज्ञान है। वास्तविकता के विपरीत ज्ञान को अविद्या कहते हैं। जैसे रस्सी को सांप समझना, झूठ को सच समझना, अपने को पराया समझना, यह अविद्या है अर्थात अज्ञान है। अंधविश्वास या किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना भी अविद्या है। आर्य समाज ने कुछ अंधविश्वासों जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह न होना, छुआछात और बाल विवाह आदि को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया। अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति का ध्यान रखने के लिए क्या करना? चाहिए। कुछ जो मिस्टेक्स हैं बेटा मैं वो साथ साथ ठीक कर रहा हूं, कुछ जो कंप्यूटर मिस्टेक नहीं ठीक हो रही है जैसे ऊपर आया था वो ठीक कर लेना बेटा। कैसे? इसका अर्थ है, इसका उत्तर है, इस नियम में सभी मनुष्यों को विशेषकर आर्य समाज के सदस्यों को प्रेरणा दी गई है। वह केवल अपनी ही उन्नति में संतोष न करे, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उनके आसपास रहने वाले या कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति की भी समान से उन्नति हो। हमारे कार्यों से हमारे साथ साथ अन्य लोगों की भी उन्नति होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारा प्रत्येक कार्य हमारी तथा हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, आत्मिक उन्नति में सहायक हों, बाधक नहीं। प्रश्न पांच, आर्य समाज का दसवां नियम सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ करने में कैसे सहायक है? इस नियम में बताया गया है कि किस अवस्था और क्षेत्र में मनुष्य को स्वतंत्रता से अर्थात अपनी इच्छा से कार्य करना चाहिए और किस अवस्था तथा क्षेत्र में उसे काम करते समय अपनी इच्छा को एक ओर रखकर समाज के हित का ध्यान रखते हुए सामाजिक एवं राष्ट्रीय नियमों के अनुसार आचरण करना चाहिए। आप किसी सर्वहितकारी कार्य करने के लिए धन का दान करना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। जैसे किसी औषधालय को देना,
विद्यालय को दान देना, नाथल्य को जैसी संस्था को दान करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, परंतु देशद्रोहियों की सहायता करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। जिन कार्यों को करने से दूसरों का अहित नहीं हो वहां हम स्वतंत्र हैं, परंतु जिस कार्य से हमारे समाज या राष्ट्र का अहित होने की आशंका हो वहां हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो बेटा ये इस चैप्टर के मैंने प्रश्न उत्तर आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट के प्रश्न उत्तरों को बताएंगे। प्यारे बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।